वो कठपुतली हुकूमत, वो डाकू रानी के जरिए जो ये चाहते हैं कि वकीलों और जुडिशरी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, क्या आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं? अगर आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं और सियासत को आपने रेगुलेट करना है कि कौन धरना आइंदा दिया करेगा, कौन एहतजाज किया करेगा और कौन लॉन्ग मार्च किया करेगा, तो फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट या आईन में तरमीम करके अपने आप को एक सुपर पोलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करा दें ताकि आपके पास इसका भी जवाज और हक मौजूद हो। सिर्फ एक शख्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ना उनको ये नज़र आया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिल रही, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, दुरुस्त नहीं हुए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया, और ना वो रिफ्रेंडम के जरिए इख्तदार में आया है या पावर में आया है, ना वो इलेक्शन के जरिए आया है। अगर शख्स वाहिद ने इस मुल्क को जंगल बना देना है और जंगल का कानून नाफिज कर देना है और आइन की पाबाली करनी है, और वो DGISPR साहब उठ के वो स्टेटमेंट्स देंगे जो सियासी होगी, तो सियासत में मुदाखलत ये आइन की खिलाफवर्जी सिर्फ नहीं, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है। और आइन शिकन की सजा आपके सामने है। ये अलग बात है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आने के बावजूद, उसके खिलाफ अपील डिसमिस होने के बावजूद, आज अगर जस्टिस सेठ वकार को देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट आज भी फील्ड में है, जिसने कहा था कि उनकी कब्र से भी उनको निकाल के एक सिंबॉलिक सजा फांसी की दी जाए ताकि आइंदा के लिए माशाल्लाह के रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि यही आइन का तकाजा है और यही मुल्क के कानून का तकाजा है। देखिए, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क और जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का तरीका सिर्फ ये होता है, वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची आपने देख ली 8 फरवरी को पब्लिक निकली, ये अलग बात है। रऊफ साहब ने आपको बता दिया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप थी उन सबके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बशमूल मेरे आप गवाह हैं। मैं आप मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर गया उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके खिलाफ हमने पिटीशन फाइल की, तो हमारे ही खिलाफ उल्टा कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। मैं आपके मीडिया के दोस्तों को लेकर गया, लास्ट डे था, मैंने कहा जी तीनों हल्के इसाबाद के 46, 47, 48 मैंने कागजात जमा कराए थे, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दें, मैं उसको फुलफिल करूं। तीनों 47, 46, 48 के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप वो आदमी हैं जिसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आप गवाह हो इस बात के रात 12 बजे किस तरीके से मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन इस बात को हम आगे चलते हैं, बल्ले का निशान छीन लिया, और न सिर्फ बल्ले का निशान छीना, उसके साथ मेरे समेत हमारे वर्कर्स के खिलाफ FIRें कटी। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां हम बैठे हुए हैं, आपके तकरीबन 100% मीडिया हाउसेस वो हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, और ये रेड जोन का सारा एरिया और 70% देहात भी। मैं दावे से कहता हूं, आप बता दें, आप सारे दोस्त गवाह हो इस बात के, कौन से पोलिंग स्टेशन में गए और जहां से मैं हारा हूं, या वो कठपुतली जीता हो, लेकिन हम हार गए, हराया गया हमें, हम तो जीत गए। और इसी तरह तीनों हल्के इस्लामाबाद के और बाकी जो कुछ भी हुआ, किसी तहजीब याफ्ता जमहूरी मुल्क में अवामी इनकलाब वोट की पर्ची के जरिए हुआ करता है, और वो हो गया। लेकिन DGISPR साहब कहते हैं आपको तो 7% वोट मिले, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये आपके मैथमेटिक्स का हल है, अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके आप सरबराही करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को बंद कर दें, उसकी जगह पे रऊफ हसन साहब या जो आप दोस्त बैठे हुए हैं इनकी टीम बना दें, आपको प्रॉपर ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंस दे देंगे। अगर आपकी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि हमने 77% या पता नहीं कितने परसेंट वोट लिए, भाई आपके नुमाइंदे अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास बैठ के जो कुछ वो कर रहे थे आप सब जानते हो, पूरे मीडिया हाउसेज ने मेरा रिजल्ट दिया और बहुत सारे हमारी 180 सीटें के रिजल्ट भी दिया,
वो ईएमसी का रिकॉर्ड आज भी वो हमें नहीं दे रहे कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। वहां से जो रिजल्ट जाता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउसेज में दे रहा था, वहां से हम जीत रहे थे। रात के 12 बजे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सहूलतकारी करता है मुस्लिम लीग नून की और लंदन एग्रीमेंट की, वो रात को 12 बजे कहीं चला जाता है। ये भी आपने हमें बताया, हम तो नहीं थे वहां मौजूद। इसलिए मैं कहता हूं आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। वो किसी मखसूस जगह पे जाते हैं और जब 3 घंटे बाद वापस आते हैं तो रिजल्ट पहले रुक जाता है और उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आज भी सवाल करता हूं कि आप इसके बारे में बताएं, आप कहां गए थे और क्यों आपने इन रिजल्ट्स को चेंज करे किया या कराया। और एस्टेब्लिशमेंट के वो सहाफी जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझते हैं, आप उनकी ओवरऑल असेसमेंट पब्लिक में या टीवी में बैठ के ले लें, या आप खुद उनसे इनफरादी तौर पर पूछ लें कि क्या रिजल्ट था। मुझे एक मेरे दोस्त ने, मैं बताए बगैर, क्योंकि जिस तरह सहाफियों को ये हक हासिल है वो अपना सोर्स न बताएं, लिहाजा मैं अपने एक दोस्त साफी मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन की बात बताना चाहता हूं नाम लिए बगैर। उसने कहा जी मैं जब गया, मुझे कहा गया सब रोक दें। मैं एहतियातन चला गया चेक करने के लिए कि रिजल्ट्स का मसला क्या है, क्यों रोक दिए। वो जो रिजल्ट कंपाइल कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा जी क्या मसला है। उन्होंने बड़े घबराते हुए कहा जी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लीड के साथ पीटीआई जीत चुकी है और हमें कहा गया है कि आप रिजल्ट रोक दें। हम मजबूर हो गए हैं रिजल्ट रोकने पे। खैर ये अलग बात है। मुझे ये बताया जाए कि ये आपकी अगर रिपोर्ट थी, और फिर खान साहब ने भी उसके बारे में उस दिन हमें बताया 7 तारीख को जब हमारी मुलाकात हुई, आप कहते हो कि जी आप बना दें कमीशन, ज़रूर बनाएं। किसने मना किया आपको? खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल पेश होने के लिए तैयार हूँ 2014 का। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के ज़माने में 2 धरने हुए मौलाना फजल रहमान के, जो उन्होंने कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी, वो भी आपके ऑन रिकॉर्ड कर लें, किस किस से धरने में बात हुई और किस किस ने क्या क्या उनके साथ वादे किए एस्टेब्लिशमेंट के, और उसके साथ 2 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी यहां जुलूस लेकर आए। हमने तो 1 सिंगल FIR नहीं काटी। यानी एक धरने से तो आपको तकलीफ है, जरूर करें, उसमें कमीशन से हम इनकारी नहीं है, मगर बाकी धरने और बाकी जुलूस, और फिर क्या आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं? अगर आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं और सियासत को आपने रेगुलेट करना है कि कौन धरना आइंदा दिया करेगा, कौन एहतजाज किया करेगा और कौन लॉन्ग मार्च किया करेगा, तो फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट या आईन में तरमीम करके अपने आप को एक सुपर पोलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करा दें, ताकि आपके पास इसका भी जवाब और हक मौजूद हो। मुझे रोब भाई देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मुझे कहना चाहते हैं, मैं मुख्तसर करूं, इसलिए मैं अब अपनी बात को सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगा। अब मैं आगे चलना चाहता हूं कि इस वक्त सबसे पहला मुतालबा मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से करूंगा कि आपके लाहौर के वकला के मसाइल को हल करना आपकी सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है और आप हल करें। लेकिन इन चीज़ों को एग्रेवेट करने में वहां की वो कठपुतली हुकूमत, वो डाकू रानी के जरिए जो ये चाहते हैं कि वकीलों और जुडिशरी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, तो इस हवाले से मैं वकला नुमाइंदों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोकस्ड रहें, ताकि जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो कुछ अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं और जिस अंदाज से इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल आ चुका है आपके सामने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज्जज 6 जज साहबान ने लिख के दिया, उसके पैरा नंबर पहले में लिखा हुआ है, पहले पैरे में, कि इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए प्रेशर डाला गया और एक जज के, आपको पता है बाकी तफसीलात, किस तरह बिरादर नस्बती को उठाया गया, बेडरूम में कैमरे लगाए गए, कैसे जजेस हॉस्पिटलाइज हुए, और वो सारी तफसील आपके सामने आ चुकी है। और आज सारी हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ये लिख के दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने है, कि आज ये ओपन सीक्रेट है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज दबाव डालती हैं सियासी केसेस में, ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें और अपने जो उनके मुखालिफ हैं, यानी पीटीआई, उनके खिलाफ फैसले ले सकें।
क्योंकि और तो पॉलिटिकल पार्टी से कोई उनका मुखालिफ उनके बकौल कोई नहीं है, क्योंकि बाकियों को तो उन्होंने गोद लिया हुआ है, उन रिजेक्टेड अफराद को कठपुतलियों की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, हारने के बावजूद उनको फॉर्म 47 के जरिए यहाँ ला बिठाया गया है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो अनवार उल हक काकर साहब, वो लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी, वो निसार चीमा साबिक MNA मुस्लिम लीग नून, वो मुस्तफ़ा PMQM के कामरान टैसूरी, इन सब की स्टेटमेंट्स को अगर आप यकजा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जनाब यहाँ सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही सारी काली हो चुकी है। मगर इस सब कुछ के बावजूद सिर्फ एक शख्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ना उनको ये नज़र आया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिल रही, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं, वो कहते हैं नहीं दुरुस्त नहीं हुए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया, और उनके बकौल ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये इलेक्शन कराने हैं या कराए थे वो फरिश्ते हैं, जुडिशरी के जरिए इलेक्शन सही होंगे। इस सब कुछ के बावजूद में और इलेक्शन कमीशन की वो तमाम तर हरकतों के बावजूद जो कुछ उन्होंने की, लेकिन आज भी एतराज उनको अगर है तो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर है, और जो किरदार उन्होंने खुद अदा किया है इन इलेक्शंस में वो उनको जरा बराबर भी नजर नहीं आ रहा। ये उसी तरह की बात हुई, कमीशंस के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बता दिया, लेकिन एक बात, 24 मार्च 1971 को, ये रिकॉर्ड की बात है, याया खान जाता है वहां ढाका में और उनको कहता है कि हमने तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग जीत चुकी थी 160 सीटें आउट ऑफ 162। उनको कहा जी आपसे बातचीत के जरिए हल करेंगे, बैठ के सेटल करेंगे। मगर 25 मार्च को जो ही वो आते हैं, 25 मार्च को आर्मी एक्शन शुरू हो जाता है और एक एक बंदे को पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। मीनिंग देयर बाई ऑलरेडी ये एक बहाना था, ऑलरेडी आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर रखी थी। जब हम 9th वे की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि आपने सुबह सवेरे आपने देखा कि इमरान खान जब सुबह उठता है वो अपने इस्लामाबाद की तरफ आते हुए, जिसमें बेल उसने अप्लाई कर रखी थी और जिसमें थम इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे और अदालत की तहवील में थे, वो सुबह निकलते वक्त कहते हैं कि अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो मैं बगैर रेजिस्टेंस के गिरफ्तारी दूंगा, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा देना। मगर क्या होता है, उनको उठाया जाता है, CCTV फुटेजेस वो सारे चोरी किए जाते हैं और आज तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट को नहीं मिले, और उसके बाद जो कुछ भी हो, और विद इन फ्यू आवर्स 10,000 हमारा वर्कर्स कैसे आपने उठा लिया, 16 बंदे हमारे शहीद कर दिए, कई पैरालाइज्ड हैं, कई सैकड़ों जख्मी कर दिए, और पुरअमन एहतजाज लोग करने के लिए निकले, और आपने सारे, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ये आ चुका है, लिख के ये दे चुके हैं कि हमारे CCTV फुटेज उन तमाम इंस्टॉलेशन से जी खराब थे या गायब हैं। भाई किसने गायब किए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर आपके कोर कमांडर हाउस तक, और फिर उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, ये 1:30 बजे से बल्कि जुलूस निकलता है जी, जा रहा है 150-200 बंदा, लेकिन कोई एक ना पुलिस वाला, ना उनकी अपनी अरेंजमेंट सिक्योरिटी, ना कोई रास्ते में कोई उनको रोकता है। और वहां ये खुद बताते हैं कि जनाब कहा जा रहा है कि बाहर अंदर ना जाएं, लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ वो CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई, और उसकी बहुत सारी तफसीलात आपके सामने भी आ चुकी हैं। मगर आपने देखा कि परसों हम लोग 500 के करीब, उससे भी बल्कि ज्यादा लोग थे, भाई कई लोग गाड़ियों से नहीं निकले थे, हम अभी बाहर ही निकलते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है और विद इन 10 मिनट्स और हमें डिस्पर्स किया जाता है। लेकिन 150-200 अफराद, इनसे 8 घंटे में नहीं हो सका कुछ भी। क्या उस IG को, चले मैं कहता हूँ वो मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, क्या IG उसी IG है ना जो डॉक्टर उस्मान अभी बैठा हुआ है, जो तमगा लेते हैं देते हैं, उसके खिलाफ नेग्लिजेंस का भी मुकदमा बना? और अगर नहीं बना तो ये बता दें कि IG कहता है कि मुराद रास, और बहुत सारे नाम देता है, 27 काले थी, सबसे बड़ा मुजरिम है, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी कीमत है, और वो है आप इक्विटल हो जाएगी, आप बरी उजिमा हो जाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इसी तरह अंदरीब अब्बास और खदीजा शाह एक गाड़ी में जा रहे हैं एहतजाज के लिए, लेकिन वो 8 महीने बाद उसकी जमानत होती है,
और आज तक हमारी बाकी खवातीन सारी की सारी जेलों में पड़ी हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए जेल नहीं गई। क्यों? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये वाकई सच्चा वाकया आप बताते हैं जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी आप नहीं कराते, मगर मुझे बताएं कि फिर आधे लोग तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फारिग हो जाते हैं, और जो इमरान खान के साथ वफा करते हैं वो आपके लिए सबसे आखिर में और अभी तक वो पाबंद सलासल भी हैं और जेलों में भी सड़ेंगे। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल ही इसका हल है। क्या कहते हैं, तीन चीज़ें जहन में रख लें। दुनिया का कोई कानून और आइन आपको ये नहीं बताएगा कि आप उसके मुद्दई भी हैं, आप कहते हो हमारे ऊपर अटैक हुआ, नंबर टू आप कहते हो हम गवाह भी हैं, इररिफ्यूटेबल हमारे पास एविडेंस है, ना काबिल तरदीद शवाहिद, नंबर थ्री हम मिलिट्री ट्रायल के जरिए सजा भी देंगे, मुनसिफ भी खुद हैं। तो भाई दुनिया में कोई उसूल नहीं होता, कानून नहीं होता कि खुद मुद्दई, खुद गवाह, खुद आप मुनसिफ बन जाएं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है फौरी तौर पर इनका फैसला करें, लोगों को उनके हुकूक दें, और इस तरह का जो जुल्म हो रहा है एक जंगल के बादशाह के जरिए, वायसराय और अपने कठपुतलियों के जरिए इस मुल्क में जिस तरह आईन और कानून की पामाली हो रही है, उसको ख़त्म किया जाए। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ने ये आपको कहा है कि जनाब पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को भी, जो पैसा यहाँ से लेकर बाहर भाग रहे हैं, इनको तो आप एतमाद दें। जब यहाँ एतमाद नहीं होगा, और एतमाद तब होगा जब कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त होगा, अवाम के फैसलों को, जो हक के हुक्मरानी है वो अवाम का है, उनको तस्लीम किया जाएगा, और जमहूरियत एक तमाशा नहीं होगी, जमहूरियत हकीकत में जमहूर के फैसले को तस्लीम करना है। और आखिरी बात कि अगर आपने कमीशन बनाना है तो एक मेहरबानी और भी कर दें, कायद आज़म की वफ़ात किन हालात में हुई उसको भी कमीशन में शामिल कर लीजिएगा, लियाकत अली ख़ान का मर्डर हुआ और उसके बाद उसकी फ़ाइल का क्या बना कमीशन का हिस्सा बना लीजिएगा, फातिमा जना का मर्डर हुआ या नहीं हुआ उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिएगा, भुट्टो की जो जुडिशल आपने कह दिया कि ये जुडिशल मर्डर था, लेकिन जिन्होंने ये मर्डर कराने में शरीक गुफ्तगू थे, शरीक कार थे, उनके बारे में आपने ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिखा ना कुछ कहा, कौन लोग थे, क्या उसका रावलपिंडी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक था, और अगर था तो कौन थे, उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिए। और बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस में भी जो कमीशन है उसके फैक्ट्स भी सामने आ जाए तो हम सब के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए बहुत सारा भला होगा। थैंक यू सर। मैं एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं कोई कंपैरिजन इनेक्ट करने के मूड में नहीं हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि कंपैरिजन इनेक्ट करूँ, लेकिन हालात जिस तेज़ी के साथ ख़राब किए जा रहे हैं और जिस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं, वहाँ अब हर सोचने वाले शख्स को 1971 और 2024 में सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। आज भी मुल्क जहाँ खड़ा है, अगर ये रविश जारी रही और मुल्क को उसी तरफ पुश किया जाता रहा जिस तरफ अभी तक पुश किया गया है, तो कोई बईद नहीं कि हालात ख़राब हो जाएं और फिर इस मुल्क की जो ताकतें हैं उनके कंट्रोल में ना रहें। कोई भी इस मुल्क से, वो चाहने वाला, इस मुल्क से प्यार करने वाला शख्स जो है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो।